हेलो एवरीवन, मैं आज आप सबके लिए दादरा ताल और उसका परिचय लेके आया हूँ। बहुत छोटी ताल है और बहुत छोटा सा परिचय है इसका, लेकिन बहुत उपयोगी ताल। तो दादरा ताल 6 मात्रा की ताल है और इसका मैंने ठेका लिखा है। ठेका लिखने से ये है कि आप किसी भी ताल का अगर परिचय लिखना हो, आज मैं उसको इस ताल का ठीक है इस ताल का आपको परिचय लिख पाऊंगा। तो परिचय लिखने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप उस ताल का ठेका लिख लीजिए सबसे पहले। उससे आप आसानी से उसका ताल का परिचय पूरा लिख लेंगे। तो पहले मैंने दादरा ताल का ठेका लिखा है, धा धी ना धा तू ना, और धा ये सम पे हम लौट के आ गए पहली मात्रा, 1 2 3 4 5 6, धा धी ना धा तू ना, दादरा ताल। अब हम इसी को देख के हम पूरा परिचय लिख देंगे। यह ताल 6 मात्रा की ताल है, देखिए यह 6 मात्रा की ताल है। इस ताल में 3-3 मात्रा के 2 विभाग होते हैं, देखिए 1-2-3 मात्रा का एक विभाग और 1-2-3 मात्रा का दूसरा विभाग, 2 विभाग हैं इसका। इसमें पहली मात्रा पर ताली और चौथी मात्रा पर खाली होती है। देखिए पहली मात्रा पर ताली, क्रॉस का मतलब सम, इसका मतलब ताली, और चौथी मात्रा पर खाली, 0, जो हम ऐसे दिखाते हैं ताल में, धा धी ना धा तू ना। तो पहली मात्रा पे क्रॉस जो दिखाया है इसको हम सम बोलते हैं, और ताल की पहली मात्रा, और ऐसे करते हैं तो 0, जिसको खाली से हम दिखाते हैं, 0 से दिखाते हैं। तो इस ताल में इसमें पहली मात्रा पर तो हमारी ताली आ गई, और चौथी मात्रा पर खाली। मैंने देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, पहली ताली चौथी मात्रा पर खाली। अब यह ताल, अब इसका उपयोग क्या है, यह हमें पहले तो इसकी भूमिका पता चल गई है सारी पूरी ताल की। अब इसका उपयोग क्या है इस ताल का, तो यह ताल सुगम माने लाइट म्यूजिक, फिल्मी गीत आते हैं आपके, ये संगीत जैसे आपके गीत, गजल, भजन, लोकगीत, ठीक है, इसमें फिल्मी सॉन्ग भी आप ऐड कर सकते हैं, और आदि के साथ ये संगत में प्रयोग की जाती है, उनके साथ एकम्पनी की जाती है इसमें, और बहुत यूज होता है इस ताल का। और इस ताल में लग्गी लड़ी बजाने का प्रचलन है, इसका जो विस्तार होता है वो लग्गी लड़ी के द्वारा होता है। हम कोई भी ताल बजा रहे हैं, ये दादरा ताल बजाएंगे, धा धी ना धा तू ना धा ति धा धा ती ना धा ति धा धा धी ना धा ति धा धा ती ना धा धा धी ना, हम इसको आगे इस प्रकार बढ़ाते हैं, तो लग्गी और लड़ी का ही इसमें प्रचलन है। तो ये दादरा ताल बहुत उपयोगी और छोटी और इजी है बहुत सीखने में। तो आज के इस तबले के लेसन में इतना ही। थैंक यू।